या 07-662-35-24-51 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। सीधा दिखावा जा रहा है और कल का कुछ यहाँ घटनाक्रम भाया है। आखिरकार अपना देख रहे हैं कि यह गद्दा और दरी बिछाए के लोग अपने अपने विधानसभा के जो है कहा जाए वह EVM जो या स्ट्रॉन्ग रूम में रखी है ओकर सुरक्षा के पूरा व्यवस्था जो है कहा जाए कि ओकर सुनिश्चित करे के काम कह रहे हैं। जो अपराधी किसी लोग होता है उनका अधिक धारा पता है कि हम ये धारा लगी जमानत हो जी न हुई, तब चोर के बारे में कहा बताइए अपना से हम चोर कितना स्ट्रांग है। बच्चे इनका लागत थी कि EVM हैक हो सकत थी या फिर का ऐसा ओमा छेड़खानी की है कि चोरंग की सरकार है अभी चोर कुछ कह सका था कहा बताइए अपना से तब बस है अब बैठ के हुआ चोरी का अपना रोक पाऊ अब लगे हैं लोग बार रोके काए हैं प्रत्याशियों को हम लोगों को आशंकाएं हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। कैसे क्या प्रशासन मुस्तैद है नहीं है सुरक्षा व्यवस्था थैन कि जब कहो EVM कहूँ कहूँ होटल में मिली कहूँ कचरा घर में मिल रही कहूँ कब्रिस्तान में मिल रही आखिर वो EVM मिलती तो है ना तो इतने व्यवस्था के रूप में कि कौनों कमी अपने तरफ से ना रह जाए। जनता हमका वोट दी सी 3 तारीख तक हम लोगों का सुरक्षा के लिए 3 तारीख का काउंटिंग है तो ठीक है दुबे आओ यदि जो बंद भा हाँ तो वो अपन काम कर ले शंका यह है दूठो मत दू दरकी में 4 विधानसभा कर ली और दू दरकी और बंद कही तो 8 पूर हो जाएगी उनका 4 हो गई है अब यह आंकड़ा हम नहीं जाने कौन में फिट करी का करी हम नहीं जाने मिला ये लाइट वाला और उसको ये बोले कि जो मतलब जो ऑपरेटर बैठा है उससे मैडम लोगों ने पूछा तो बोले कि हाँ वो उसको दिखाएंगे हम। अब शंका यह है कि जैसे अपना CCTV कैमरा बंद हो गया हम तुरंत मोबाइल में फोटो खींच लिए फोटो खींचे तो हमारे ऊपर एक्शन कर रहा है कि फोटो क्यों खींच लिए कैसे खींच लेंगे हमारे पास प्रमाण हो चाहिए कि हाँ हम यहीं खाती बैठ रहे हैं एक देखा यहीं से सुरक्षा वहाँ दिखाते रहे पूरा सील हमारा वहीं में दिखाते हैं हम अपने रूम के पास तो जाइत नहीं तो वो जब बंद हो गया तो हम कहाँ देखी चलिता का दिखे ने थे अभी तक 3 दिन से है अपना की आ जाए 3 रोज से ये देखें कि रोज रोज प्रशासन 10 बजे आई आधा घंटा मीटिंग करी फिर चला जाई काल ता मीटिंग करी फिर मीटिंग करे के बाद कहीं की हुआ गलती हो गई हम से बटन बंद हुई थे कैमरा बंद हुई तो यह का हो रहा यह समझ में नहीं आवत अंदर का कही रहे हैं नहीं जे अब थे रोज आधा घंटा का तो उनसे की का है पूछन तू कहीं तू सिरमौर क्या है तो अपन सिरमौर भर देखे दूसरे के विधानसभा से कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश के विंध्य में हम मौजूद हैं विंध्य के रीवा में मौजूद हैं जहां रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज का स्ट्रांग रूम बना बगा है। स्ट्रांग रूम में 8 विधानसभा के सभी EVM मशीनन का रखा गया है लेकिन यह रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में रखी मशीनन का लेके लगातार विपक्ष या कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है यह कहा जा रहा है कि यह EVM के जो सुरक्षा व्यवस्था ही ओका लेके कुछ गड़बड़ी है बे सवाल खड़े किए जाते ओकर जानकारी तो हम उन्हीं से लेब लेकिन हम जहाँ मौजूद हैं अपना देख सकी थे कि बड़े कहा जाए कि सुरक्षा व्यवस्था का दुरुस्त कहके एठे सलगा इंतजाम किनगा है लगातार 3 लेयर में यह पूरी सुरक्षा लगाई गई ही CCTV यूनिट अपना देखे लागे जेकर डिस्प्ले हमारे पीछे है और वह डिस्प्ले में हर स्ट्रांग रूम के कक्ष का सीधा दिखावा जा रहा है और कल का कुछ यहाँ घटनाक्रम भाया है वह जाने के हम प्रयास करब तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी खबर के जहाँ अपना पंचक बताया दी कि रीवा में 8 विधानसभा सीट है 8 विधानसभा में हर सीट के EVM मशीनन का या रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा गया है और लगातार इनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त है और पूरी तरह से मुस्तैद कर्मचारी के दम पर या व्यवस्था का दुरुस्तगी के दावा किया जा रहा है। अब चलिए अपना कलई चली थी वह जगह पर जहाँ थे जो है लोग मौजूद हैं वह व्यवस्था मौजूद ही जौने के तहत यह कहा जा रहा है कि अपना पंचे सुरक्षा कह रहे हैं प्रशासन और या सरकार के या इंतज़ाम पर कई एक बेस सवाल खड़े होते और इस सवालन का लेके जो है हम बात करें कि प्रयास करब कि आखिरकार ऐठे अपना देख रहे हैं कि यह गद्दा और दरी बिछाए के लोग अपने अपने विधानसभा के
जो है कहा जाए वह ईवीएम जो या स्ट्रॉन्ग रूम में रखी है ओकर सुरक्षा के पूरा व्यवस्था जो है कहा जाए कि ओकर सुनिश्चित करे के काम कह रहे हैं। का शुभ नाम है आपका? अमरनाथ पटेल। अमरनाथ जी, अपना कौने विधानसभा से एठे? जेतला विधानसभा बसपा प्रत्याशी अमरनाथ पटेल हूँ। अच्छा, तो यह बताइए एठे का कुछ अपना पचन का गड़बड़ी लग रही है कि इतना ज़्यादा, मतलब दो तीन दिन से लगातार जो है यह स्ट्रॉन्ग रूम विवादन में है। अभी कहा है कि सत्ता उनखर है जी। अब सत्ता उनखर है तो डर लगा हम लोग का कह ले ही पत्थर हो नहीं है। अब बीच में लोग बतावा लाइटो बंद रही है ईवीएम के यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम के जी। अब का हो रहा है का नहीं के बारे में का बताइए अपना से हम नहीं। तो अब शंका का ही मन में? शंका चोर अधिक होशियार होते है, जो चोरी करत है वो सातिर होत है, अपना अधिक अपराधी होते है, वो वकील से अधिक धारा जानत है। जो अपराधी किसी लोग होते हैं उनका अधिक धारा पता है कि हमको जगह धारा लगी जमानत हो जी न हुई। अब चोर के बारे में क्या बताइए अपना से हम, चोर कितना स्ट्रांग है? पचन का लागत है कि ईवीएम हैक हो सकत थी या फिर का ऐसा ओमा छेड़खानी की जा सके? चोरंग की सरकार है, अभी चोर कुछ कह सका था का बताइए अपना से? तब बस बैठ के हुआ चोरी का अपना रोक पाऊ। अब लगे हैं लोग बार रोके खातिर कि शायद चोर मिल जाए, मिल जाए जो कहा सड़क जाए बिल से। अगर बिल से ना आ पाई तो पकड़ डरही। जो कहा लाइट जो बंद रही 39 मिनट के, वो में कहा कुछ भाता नहीं, डर हम लोग लगा रहा है जी। चलिए, तो कुल मिला के जो ईवीएम लोकतंत्र के एक बड़ा कहा जाए मापदंड है कि वह लोकतंत्र के उम्मतन का गिने के काम करत है कि आखिरकार के लोकतंत्र में शक्तिशाली है, केकर सरकार बने चाहिए, वह लोकतंत्र के वह ईवीएम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अपना देवतलाव से बसपा प्रत्याशी है और अपना खुद यह निगरानी में है, ऐठे पूरी जो कहा जाए अलग अलग दल से लोग मौजूद है, अपनों से जानकारी लेके प्रयास कर थो कह दी अपना खड़े हो जी तो ज़्यादा खड़े हो जाएंगे। और हालांकि थकान ज़्यादा हुई कहे कि या जहाँ अपना पचे बैठ के अपन या पूरा निगरानी कह रहे हैं। का शुभ नाम है अपना? आर के सिंह। कौने विधानसभा से? 73 मनियमा से। कल बबीता जी आई रही, काफ़ी ऐठे उनके द्वारा चिंता जाहिर की गई, ये कहा गया कि ऐठे गड़बड़ी हो रही है, सीसीटीवी बंद हो रहा है, का कुछ मामला है? स्वाभाविक है, आशंकाएं हैं प्रत्याशियों को, हम लोगों को आशंकाएं हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। कैसे क्या प्रशासन मुस्तैद है नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था किस स्तर की है क्या है, तो हम लोग भी कर रहे हैं। नहीं चलिए, जो हिसाब से अपना सुरक्षा कह रहे हैं, जो तरह से अपना बच्चे सवाल खड़े कह रहे हैं, वह सवालन पर जवाब मिल रहा है या फिर नाकाफी है कि सिर्फ पल्ला झाड़े इस काम हो रहा है? नहीं, अभी तो हम लोगों ने मांगा है, हम लोगों ने अपनी बात मुख्य निर्वाचन भोपाल और नई दिल्ली तक पहुँचाई है और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर को भी हम लोगों ने लिखित में दिया है और हम इंतजार में हैं उनके उत्तर, क्या उनके जवाब का मांग करे हैं अपना पचे। हम नाग गया कि सुरक्षा व्यवस्था जो है माकूल होनी चाहिए, ये होना चाहिए। संतुष्ट नहीं है वो व्यवस्था से? भाई हम संतुष्ट थे लेकिन इनका 35-40 मिनट के लिए वो बंद हो जाना, कल भी 11 बजे के लगभग स्क्रीन बंद हो जाना, तो क्यों बंद हो रहा है? कुछ जवाब जिला निर्वाचन अधिकारी दी इनका? नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अभी इसके लिए जवाब हमको प्रत तो नहीं मिली है, दिया कि नहीं दिया, मिलेगी तो हम बताएंगे आपसे। क्या मतलब अभी तक कोनो जवाब नहीं मिला या सवालन का कितना मौखिक अधिकारी लोग आए थे वो बोले कि वो प्रिंसिपल साहब गए और गलती से बटन दबा दिया तो इसलिए सब बंद हो गया। अब इसमें क्या सच्चाई है मैं इसमें कुछ नहीं। चलिए, तो मतलब जवाब के रूप में अपना के सवाल के यह मिला कि प्रिंसिपल साहब जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हूँ अंदर गए, बटन दबाई, ये वजह से हुआ आधा घंटा के दरमियान जो कैमरा बंद रहा। नहीं नहीं, वो 18 की बात है, कल की बात है, प्रिंसिपल साहब की घटना कल की बात, कल की बात, कल की बात। अब हुआ आधा घंटा के जवाब उसका, परसों के जवाब अभी नहीं मिला, क्यों बंद हुआ? तो मतलब देर नहीं कह रहे हैं ही जवाब दे में? देर कर रहे हैं या दे दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, उसको किसको दिए, हम पहुंचे नहीं उधर, देखेंगे। चलिए, तो कुल मिला के अपना कहब है कि यह जो सवाल उठ रहे हैं यह व्यवस्था से, वो जवाब नहीं मिल रहे हैं। हालांकि एक जवाब जो अपना का मिला है, अपना कह रहे हैं वह प्रिंसिपल साहब वाले मामला में अपना संतुष्ट है ना, हो सका थी हमें, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब हम तो साथ में नहीं थे प्रिंसिपल साहब से कि उन्होंने, तो भरोसा है प्रशासन की जवाब में? नहीं नहीं, हमको हमको अभी देखिए, हम
अविश्वास भी नहीं कर रहे हैं और अभी अविश्वास तक पहुंचे भी नहीं, नहीं तो क्योंकि पहले आ जाए जी। पहले मामला साफ हो जाए प्रशासन की ओर से उनका क्या कहना है इन दोनों घटनाओं के संबंध में। चलिए लिखित जवाब इंतजार कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह लिखित जवाब के इंतजार हो रहा है। हमारे साथ विनोद भैया हैं जो लगातार जो है जौने दिन से ईवीएम यहां पहुंची है अपना मुस्तैद हैं। और निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतने बड़े देश के इतना बड़ा लोकतंत्र और वह लोकतंत्र के जो सबसे बड़ी सामग्री है जौने से यह प्रमाण होते हैं कि आखिर या जनता के जनमत कहाँ है, वह ईवीएम पर अब कई एक तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम पर भरोसा है या नहीं? चुनाव तो उसी से होता है इसलिए भरोसा तो है, भरोसा है या भरोसा खत्म कहाँ हो रहा है कि एठे इतनी पुलिस इतनी फोर्स लगे के बावजूद विनोद भैया का एठे गद्दा बिछा के बैठे के पड़ी रहा है, पहुड़े के पड़ी रहा है, लगभग लगभग हर विधानसभा से प्रत्याशी के प्रतिनिधि का एठे बैठे के पड़ी रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही? देखिए ऐसा है कि जब आदमी मेहनत करत है वोट डलवावत है, वोट डलवाए के बाद परिणाम थोड़ा अनुकूल न मिले ऐसा लाग पिछली बेर ऐसा लाग कि कहाँ ना कहाँ हमारे मतन में डिस्टर्ब हो गए। तो हम लोग ये बेर जब मऊगंज से हमारे सगली मशीन चली हैं बसंत में आई हैं तो बसंत के पीछे पीछे हमारी गाड़ी लग गई। हम लोग यहाँ हमारे प्रत्याशी महोदय बन्ना जी खुद रहे हैं, हम 25 सब्जन यहाँ रखवाएँ और वो दिन से लेके अभी तक यहाँ से हटे नहीं, कोनो न कोनो रूप से केहू न केहू हमार प्रतिनिधि हमारे साथी सहयोगी यहाँ मौजूद हैं। अब निश्चित तौर पर बात यही कि अपनों जानित हैं कि जब कहूँ ई वी एम कहूँ कहूँ होटल में मिली, कभू कचड़ा घर में मिल रही, कभू कब्रिस्तान में मिल रही, आखिर वो ईवीएम मिलती तो है ना, तो इतने व्यवस्था के रूप में कि कौनों कमी अपने तरफ से ना रह जाए। जनता हमका वोट दी सी, 3 तारीख तक हम लोगों का सुरक्षा के लिए, 3 तारीख का काउंटिंग हुई, फिर रिजल्ट खुली और फिर हम अपना का मिठाई खवाई जोने से, एन खातिर हम लोग इंटे पड़े हैं। नहीं तो यार लगातार जोने दिन से इंठे 17 का मतदान भा और 17 के मतदान के बाद जब इंठे ईवीएम जमा हो गई उसके बाद से लगातार विवाद की स्थिति बन रही है। 2 दिना से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक दिना 39 मिनट का ईवीएम मतलब यह क्षमा करब सीसीटीवी बंद होते और एक दिना लगभग 40 मिनट के आसपास या फिर का हुआ समय सीमा है। 18 तारीख के दरमियानी रात जो 12 से 12:35 ईवीएम बंद हुआ, हमारे सहयोगी के पी सिंह परिहार के रात में 12 से 12:35 18 तारीख का है ना, 17 तारीख की ईवीएम रखी गई, 18 तारीख की जब रात के 12 बजे तब बंद हो गया। हमारे सहयोगी रहे के पी सिंह परिहार, हम का फ़ोन लगाएं कि भाई ये बंद हो गया है, हम तत्काल 5 मिनट में यहाँ पहुँचे, सीसीटीवी बंद रहा, कलेक्टर मैडम का फ़ोन लगाया उनका नहीं उठा, पर अन्य लोगों से बात है, सवेरे वो आए बताएं स्पष्टीकरण दें कि ऐसा टेक्निकल हो कारण कि कॉलेज के ओखर सबके दोनों के सीसीटीवी इकट्ठे रहें, 35 मिनट में ऐसा कोनो बात नहीं हुआ, हम पचे कहें कि ओखर हमका फुटेज उपलब्ध करा दें जाए, एक ओखर कहीं नहीं करवा दे। फिर कल्हो जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल के ऊपर ऐसे हम आप जिनके हमेशा जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं कि यह पूरे कॉलेज के जमीन राजेंद्र शुक्ला के माध्यम से उन सब भी कनी उनसे सीनियर यहाँ आदमी तो उनका प्रिंसिपल से हटाए के वो प्रिंसिपल बने, तो प्रिंसिपल के जब अंदर घुसे कि नहीं रहते काहे घुसे, काहे घुस गए प्रिंसिपल, मैडम उनका डटबो भाई आ वो सॉरी वारी बोली नहीं, तो भाई कोनो प्रक्रिया में सॉरी बोले कोनो हल नहीं होता कि सॉरी बोल दे तो खर हल हो जाए, तो उनका घुसे ना चाहिए। हम आप जिनके तो मांग रहे कि उनका सस्पेंड करा है ना, या कौने दिन के घटना है जब कल के, कल के मतलब ये अपना बात कर रहे हैं 20 तारीख के, हाँ 11:54 में ये हमारे साथी सहयोगी सभी विधानसभा के लोग हैं तो ये थे, हमको बबीता साकेत जी मनगवा की हमारी प्रत्याशी उनका फोन आया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, मैं तत्काल फिर से कल आया 11:54 दोपहर में और 12:10 में मेरे पास फोन आता है, मैं तत्काल आता हूँ, मेरे संगठन मंत्री पार्टी के आते हैं, जिलाध्यक्ष आते हैं, हम लोगों ने आज हमारे प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है कि भाई सुरक्षा में कोई कमी न रहे, कौनो प्रकार से कमी न रहा, आओकर 3 तारीख का जब काउंटिंग होए तब तक के सुरक्षा की व्यवस्था करे जिम्मेवारी अपना के ही परिंदा पर नवा रहे, बाकी हम लोग तो देखिए मुस्तैदी से अपने विश्वास खातिर बैठना है। नहीं तो अपना जो
कलेक्टर के द्वारा जवाब देगा कि उठे प्रिंसिपल घुसे और उनके द्वारा एक बटन दबाई गए, गलती से उनसे बटन दब गए और उसके वजह से बंद बस संतुष्ट है जवाब से। अब देखिए देखिए उठे तो हम लोग नहीं रहे पर यह माना जा सके थे चूंकि उनका उनका रूम है प्रिंसिपल रूम, प्रिंसिपल कहूँ लाइट वाइट बंद करत नहीं चपरासी बंद करते हैं इसमें सब छुट्टी है तो ऐसे ये मान लीनगा कि हो सकत प्रिंसिपल का ना पता रहा हो बटन बंद करिस कल वाली तो चला ठीक पर जो परसों 35 मिनट बंद रहा ओखर हमका फुटेज चाहिए एक बात अब यहाँ कोनो प्रकार से हालांकि आज कलेक्टर मैडम आई नहीं है यह भाई के मैंने कोनो जेके पास पास नहीं है वो अंदर नहीं जा सके सीसीटीवी के सामने हमारे बचन के आदमी बैठ ला है अतैनात रही बिल्कुल 3 तारीख तक कोनो कोर कसर छोड़े इनके नहीं आए कनिष्क भाई एक रत्ती नहीं छोड़े का यहीं से हम 3 तारीख को बोली रहें कि जब अपना आओ तो हम अपना मिठाई खवाओ। चलिए तो कुल मिला के या जो कहा जाए कि अपना पचे हर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं प्रत्याशीन के प्रतिनिधि के रूप में ऐठे मौजूद हैं वो लगातार निगरानी कह रहे हैं ईवीएम के काहे कि सीसीटीवी स्ट्रांग रूम के बाहर लगा बगा है हर जगह कैमरा लेस है और साथ में 3 परतमा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं ओके बावजूद जो है जब यह में प्रश्न चिन्ह हुआ व्यवस्था पर ला गए वह लोकतांत्रिक त्यौहार पर ला गए तो सवाल बड़ा हो जाता है। हालांकि हमारे साथ का सुना मैं अपना पंकज कुमार त्रिपाठी ना कौन विधानसभा से सेमरिया विधानसभा से सेमरिया विधानसभा से यह बताई कि जो यहाँ व्यवस्था ही बतावा यह जाता है कि 3 परत में यहाँ व्यवस्था और यहाँ सुरक्षाकर्मी तैनात है संतुष्ट हैं या तैनाती नहीं जो ये यहाँ पे लगे हुए हैं तो थोड़ा आपने को दिक्कत हुई तो बताया कि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि जैसे उन्हा कपड़ा वो बदल के अपना ड्रेस बदल के घूम रहे हैं ये मैडम जी को बताया गया कलेक्टर मैडम को कि इनको भाई जब ड्यूटी में नहीं है तो ये घूमने के अधिकारी नहीं है अपने रूम में रहें ये मैडम को बताया गया। फिर 39 मिनट का कैमरा ये बंद हुआ नाइट में तो वो बताया गया। फिर कल जब ये प्रिंसिपल साहब आए उनके सब साथ में थे जब ये अंदर गए और इसके बाद ये बंद हो गया लाइट बंद हो गई पूरी तो बताया गया तो ये बोले कि मतलब बटन धोखे से दब गई इस वजह से बंद हो गया। चलिए तो मतलब अब जो सवाल रहे अपना के मन में ओकर जवाब का मिल गया। हाँ जवाब एक मिला ये लाइट वाला और उसको ये बोले कि जो मतलब जो ऑपरेटर बैठा है उससे मैडम लोगों ने पूछा तो बोले कि हाँ वो उसको दिखाएंगे हम अलग रिकॉर्ड है ओकर सीसीटीवी फुटेज अपना का दिन हाँ वह दरमियान जो वो मशीन के बारे में बोले जो फॉल्ट है उसको अपन दिखाएंगे। चलिए तो निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि लोग बड़ी बोल के गई हैं मतलब मैडम कि जो बेफालतू आते जाते हैं तो सबका कार्ड चेंज होगा सिर्फ 10-12 लोग जो हैं वही अंदर जाएंगे और आएंगे बाकी कोई नहीं जाएगा ये भी मैडम बोल गई। चलिए तो अब मतलब यह एक समय में कितने लोग अंदर बैठे थे? अब ये गिनती अपने को जो यहाँ बैठे हुए हैं 8-10 लोग ये हैं और आते जाते हैं तो सब आते जाते हैं मतलब जो आए वही अंदर गए तो मैडम कलेक्टर मैडम ने ये बोला है कि सब कोई अंदर नहीं जाएंगे सिर्फ ये कार्ड बदलेंगे 10-12 लोग जो मतलब एथराइज हैं वही आएंगे और जाएंगे ये आज कार्ड बनवा देंगे ये मैडम बोल के गई। चलिए तो निश्चित तौर पर यह जो ईवीएम है या ईवीएम में कैद हो गया है वो उम्मीदवारन के फैसला जो जनता तय करी सी और जनता आपन जनमत जो है वो ईवीएम में कैद करी सी। हालांकि कुछ लोगों के मन में शंका है जैसा कि काफ़ी लोग जाहिर करें कि यह ईवीएम पर तो हमका भरोसा है लेकिन उनके सुरक्षा के खतरा हमका महसूस हो रहा है ऐसे ऐठे हम पचे मौजूद हैं। का शुभ नाम है अपना? रविदास सिंह। कहाँ कौन विधानसभा के प्रतिनिधि के तौर पर ऐठे मौजूद हैं? देवतलाव से। यह बताइए का शंका का ही मन में? शंका यह है कि जैसे अपना के सीसी कैमरा बंद हुईगा हम तुरंत मोबाइल में फोटो खींच लिए फोटो खींचन तो हमारे ऊपर एक्शन कर रहे हैं कि फोटो क्यों खींच लिए ऐसे खींच लेंगे हमारे पास प्रमाण हो चाहिए कि हाँ हम यही खातिर बैठ रहे हैं एक देखत यहीं से सुरक्षा वहाँ दिखात रही पूरा सील हमारा वहीं में दिखात है हम पंचायत रूम के पास तो जाइत नहीं तो वो जब बंद हुईगा तो हम का देखी तो हम तुरंत फोटो खींच लिए तो पुलिस वाले सब एक्शन ले कि फोटो क्यों खींच लिए फोटो हम इसलिए खींच लिए हमारे पास प्रमाण रहे कि आपका सीसी कैमरा बंद हो गया है तो एक्शन भा अपना के ऊपर हाँ तुरंत पुलिस वाले कहें क्यों फोटो क्यों हमारे वैसे खींच लिया यही खातिर हमारा नौकरी नहीं है यही खातिर हम आन है नहीं हम काहे के पास अनुवाद काहे कि यहाँ आई हम 5 साल खेती केहन है मेहनत केहन है खून पसीना बहाना है निजी पूंजी से चुनाव लड़वाना है कौन प्रत्याशी के कांग्रेस प्रत्याशी परमेश गौतम जी के ओर से है ना जी हम कोनो सरकारी का माने कमाई कह के हमारा प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ा है ना कोनो काली कमाई के है
हैं, हम पंच खून पसीना बहाए हैं। नहीं तो का जो अपना फोटो खींचे रहे हैं तो का ओकर सवाल करें अपना। हाँ कि भाई वहीं से तो बातचीत शुरू हुई है। हम चार पाँच मिनट हम से बहस मन लग गया, तब तक हम दूसरे आदमी को बाहर निकालने का मोबाइल न चला के यही बाहर मैसेज दी। अच्छा अपने के चलते लग गया कहा उठे बाहर जो चस्पा है कि अंदर मोबाइल ले जा मना है। हाँ हाँ तो हमारे कारण तो ये बताई कि हम मोबाइल में बम तो साझे नहीं है, अगर कर्मचारी मोबाइल चला बल रहा है उन्हें अंदर लेके जा रहे हैं हमारे सामने बात कर रहा है तो वो अगर मोबाइल रख सकते हमने कहा नहीं रख सकी था हन? हम उन्हों के साथ हम आऊँ तो साथ है महन वही रिसेप्शन रूम में वहीं के सामने सीसी कैमरा के सामने तो भाई ये बंद हुई तो हमका हमारे पास प्रमाण रहा चाहिए कि इतने मिनट ये बंद रहा हमारे लोड हो जाते मोबाइल में टाइम पड़ जाते है तो वो जब आप कलेक्टर साहब दे ही प्रशासन दे ही उसे हम सवाल कह सकते जवाब। हाँ जवाब मिला इन प्राचार्य महोदय धोखे से बंद कर दी। अच्छा ये अपना 20 तारीख के घटना के बाद कह रहे हैं घटना के बाद जो 20 तारीख का प्रिंसिपल कमरा में गए रहे अपने। हाँ जी वो बटन उनके द्वारा ये कहा गया कि हमसे हाँ, धोखे से बंद जी 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 संतुष्ट है नहीं जवाब से। नहीं वो जवाब से हम कैसे संतुष्ट हो हमारे खातिर जो ड्यूटी लगी तो हम अपन ड्यूटी कह रहे हैं हम प्रिंसिपल साहब मैंने वो कह दें वो करूँ हमका फुटेज दिखा दें हम संतुष्ट हो जाओ हम यही खातिर ना नौकरी कर दिला है यही खातिर मेहनत की ना जब हम संतुष्टि ऐसा ले लगा तो हम बेकार हो जाए ना है तो अंग्रेजन के शासन है तो मतलब आठ विधानसभा में जो जो स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई ही सबके बाहर कैमरा जो है तैनात है। हम जी यहाँ से अपन देखते रही थी कि कहा है सुरक्षा हमारा सील कौन ही तोड़ रहा है यहाँ से बैठे देखी थी हम तो कहो उपद्रव मचा नहीं रहे न कहो जाए रहे न कहो कुछ कह रहे यहाँ तक यहाँ लेटरिन बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है तो पेशाब करे को होते तो मैंने डेरा डेरा आवा जल्दी से बाहर बाथरूम करे पेशाब करे लेटरिन व्यवस्था कोनो अंदर व्यवस्था नहीं। आज कलेक्टर मैडम आई हैं तो फिर बोली नहीं तो फिर उन पानी चालू हुआ है बाथरूम चालू हुआ है आज अभी दोपहर मतलब तीन दिन से अपना पचे लगातार परेशानी के सामने परेशान में रातों में मैं कितने दलन के लोग एठे रात में रहा थे कितने दिन के जिन्होंने दल के खेती में पाला मारी गया है जेकर खेती सूख गए है तो उनका पता है कि हमरे में पाला मारी गया हमरे में फले नहीं लागल लागा तो वह काहे के झाके रही है जे पसीना बहाए है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कैला है तो अपना कांग्रेस के चेक करी हर पोलिंग बूथ के एजेंट यहाँ खड़ा है हर विधानसभा के हाँ, मतलब हाँ, हाँ। एजेंट खड़ा है तो मेहनत की है पसीना बहाए है निजी पूंजी लगाई है। चलिए तब मतलब संख्या के तौर पर ये देखा जाए तो आठ विधानसभा के आठ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। हाँ कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस बाकी अब यहाँ भाजपा वाले मुंह काहे दिखावे हैं भाजपा काहे नहीं है काहे काहे आवे उनका खेती में पाला लग गया उनको पता चल गया हर पॉइंट पर कि हम क्यों हम देखे नहीं हमें उनका फिर ऊपर से जो भरोसा है तो वही ईवीएम वाला सिस्टम वह ताकि लाए कि भाई वो कोई गड़बड़ी ना हो तब ना हम बन जाए। हाँ नहीं तो ये बताइए भाजपा वाले काहे नहीं आ रहे हैं भाजपा वाले नहीं आ रहे हैं उनका पाला मार गया ना उनका मालूम है कि हम हार गए। हाँ बिल्कुल सूख गए खेती उनका पता चल गया ऐसे मुँह कहाँ देखा हमें शर्म लागत हुई पब्लिक के सामने निकले माँ अपना सामने खड़े हो रोड में आवे में शर्म के मारे मुंह नहीं दिखा रहे। ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम पर उनका भरोसा है अपना पति जन का भरोसा नहीं है ऐसे या तो फिर ऊपर है उनका वह काम भरोसा है जो काम हम पंचे ताकी लागे तो वह वहीं से तब हम पंचे मेहनत कर ला है कि भाई हमारा ईवीएम डिस्टर्ब ना हो हमारा लाइट गोल ना हो सीसी कैमरा बंद ना हो यहीं से हम पंचे आज वो ताकिल्ला है तीन तारीख तक ताकब अंतिम सांस तक ताकब ईवीएम का। हाँ चली तक या जो हमारे साथ देवतर जी हाँ बताई का कहे चाहिए का बचा लागे अपना से ये बतावे चाहिए थे जौन टाइम पे ईवीएम बंद भाई पर फुटेज आठों प्रत्याशी के विधान क्षेत्र बुलाए के वो टाइम फुटेज दिखाए जाए सब संतुष्ट हो जाए। अच्छा सिर्फ एक अपना पचन के मांग हाँ भाई पूरे दिखा दे हमको और दूसरी बात जो यहाँ प्रशासन है कि प्रत्याशी आता है वो स्ट्रांग रूम जा नहीं पाता देखने लिखा हमारी साइन बची कि नहीं बची वहाँ पेपर लगाए ये भी दिक्कत है मतलब वहाँ ऐसा व्यवस्था कर दी गई है कैमरा बंद करने के बाद वो कोई जा नहीं पा रहा अंदर जा नहीं पा रहा कोई सिर्फ कैमरा देखो बस हो गया कैमरा के बाद कौन ही जाए आवश्यकता में ये है कि जहाँ हमारी साइन है वो देख के आए कि साइन पेपर निकला तो नहीं कागज निकला तो नहीं सील पोजीशन क्या है ये वहाँ तक जाने के लाउ नहीं है ये भी दिक्कत एक अहम बात है। चलिए तो कुल मिला के अपना जो चिंता जाहिर कर रहे हैं ये बात का लेके कह रहे हैं कि सील निकली है कि नहीं सील में हमारे साइन ही कि नहीं तो अपनों दुई शब्द अपनों के
मिल जाए। जब बैठे जीव होमिन रहे हैं तो कम से कम जनता जान ले कि आखिरकार काहे कहे मौजूद हैं। कहाँ शुभ नाम है? हमारा नाम है सत्येंद्र कुमार तिवारी। कहाँ से हैं? मतलब सिरमौर विधानसभा से। अच्छा, प्रत्याशी की ओर से? अपना बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगे हैं ड्यूटी में। बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से लगे हैं? समाज पार्टी बीएसपी पार्टी से। अच्छा, चलिए तो कहाँ दिखे ने थे अभी तक? 3 दिन से हैं अपना की आ जाए? उपाय 3 रोज से ये देखें कि रोज रोज प्रशासन 10 बजे आई, आधा घंटा मीटिंग करी, फिर चला जाई, काल ता मीटिंग करी, फिर मीटिंग करे के बाद कहीं की हुआ गलती हो गए, हम ही से बटन बंद हुई थे, कैमरा बंद हो गया। तो यह का हो रहा है यह समझ में नहीं आवत, अंदर का कही रहे हैं सर? नहीं जे आब थे रोज आधा घंटा का तो उनसे की काहे उनसे पूछन? तू कहीं तू सिरमौर क्या है तो अपन सिरमौर भर देखे, दूसरे के विधानसभा से कोई मतलब नहीं है। तो अपने नहीं देखे दूसरे के? वो दिखाई नहीं देता ही, आंखी में कहा था फोड़ दे आंखी, तब का करी? नहीं तो मैं सीसीटीवी में सबके ना दिखा था। नहीं सीसीटीवी में कहा था कि अपने सिरमौर भर के सीसीटीवी में देखा, दूसरे के का हो रहा है जैसे तुमसे कोई मतलब नहीं। तो अपना दूसरे घर का ही जाके थे या दूसरे घर झाका भाई? अब टीवी देखा के तो सबके देखा। हाँ। तो कहा था नहीं सिरमौरे भर के नजर में रखा। हाँ। तो लगा है सब? हाँ, तो कहा था सब ना देखा बतावा, देखा मगर बतावा ना, इसे कुछ हल्ला ना करा, अपन भर का देखा। अपना ठीक चल रहा है? हमारा तो ठीक है, एक नंबर के। के माए दिक्कत के बा पता नहीं के कैसन के में दिक्कत थी। हाँ, केकर बंद हो जा रहा है कैमरा कौने वाले टीवी कैमरा तो सबके बंद हो जाते है आधा घंटा 15 मिनट के। दूध की बंद भा, अब दूध की और बंद हो जाए तो फिर बराबर हो जाई, फिर उनका सरकार आ जाई अंग्रेज के, अंग्रेज की सरकार फिर आ जाई देश में। कैसा अंग्रेज? भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज के नीति से काम करा थी अंग्रेज आए। मतलब दुई बे बंद हो गया है तो ठीक है, दुई बे आऊ यदि जो बंद भा। हाँ, तो वो अपन काम कर ले। हाँ, शंका यह है आप पता कह चुके हो दूठो मत दूध की में 4 विधानसभा कर ली। हाँ। दूध की और बंद कहीं तो 8 पूर हो जाएगी। उनका कौन 4 हो गई है अभी? आंकड़ा हम नहीं जाने कौन है, फिट करी का करी हम नहीं जाने। चलिए तो कुल मिला की यह देखी यह चुनाव आई या रंगो में कई एक तरह के देखे को मिल रहे हैं, अलग अलग चिंता जो है सब जाहिर कह रहे हैं, और ये थे जो है अपनों पचे बैठे तो अपनों पचन से हम समझे कि आखिरकार का शुभ नाम है अपना? सोनू सिंह। कौन है विधानसभा? विधानसभा मऊगंज। अपनों ऐठे दिन रात बराबर रही थे या फिर बराबर 8-8 घंटा की शिफ्ट में? 8-8 घंटा शिफ्ट नहीं है, 24 घंटा हर वक्त मुनियाद में आ जाते रहते थे, आवाज जा रही थी। चलिए अपना अपना पूरा मतलब सबसे ज्यादा मऊगंज का खतरा है का? आशीष पटेल बन्ना नाम है यार। हम लोग इस बार मतलब पोलिंग बूथ से लेके स्ट्रांग रूम तक मतलब हर मिनट 24 घंटे सिर्फ ईवीएम की तकवारी करने के लिए यहाँ 24 घंटे बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा खतरा मऊगंज का लग रहा है, कहे कि सबसे ज्यादा यदि टीम मेटे मौजूद है। मऊगंज हमेशा आवाज उठावत थी जब कोनो काम या कुछ दिक्कत होते, सब खातिर आवाज उठाई थी कि मऊगंज भर खातिर पूरे प्रदेश खातिर। हाँ। बन्ना जी जब से आवाज उठाई नहीं तो पूरे प्रदेश में हर जिला में स्ट्रांग रूम अपना देखब कि कांग्रेसी सगले बैठे हैं, चाहे सीधी हो रीवा हो सतना सडोल सगले कहीं ना कहीं शासन के ऊपर दबाव बनत है। और अपना पिछले बार देखे रहा वो कि जब चुनाव भरा तो ऑडियो वायरल भरा एक बार कि बांधवगढ़ में ईवीएम बदली गई या कुछ, और जब जब अपना देखे वो स्टेट में जब चुनाव होते कौन स्टेट में चुनाव होते तो कभी कभी ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं? ईवीएम पर भरोसा है लेकिन शासन पर भरोसा नहीं है, इससे कि जब जब कौन स्टेट में चुनाव होते है कब वो गाड़ी भी मिली कब वो होटल में मिली ईवीएम, तो कहीं ना कहीं संदेश घेरे में है कैसे कि ईवीएम। यह बताइए कि जब ईवीएम संदेह के घेरे में आई तो अपना का क्या लगा था? अपना के बैठे से ऐठे संदेह दूर हो रहा बस है? मतलब अपने के तो ऐसा तो नहीं कि मतलब फिर बाद में जैसा कि जब परिणाम आवत है तो कह दिन कि हाँ ईवीएम सेट हो गया, जैसा एक जने भाई साहब अभी कहें कि दुई बेल बंद हुई जिग्गा मतलब बहुत काम हो गया, 4 विधानसभा निपट गई और दुई बेल जहाँ पूर्ण बंद भाई 8 निपट गई। नहीं हालांकि ऐसा कोनो बात नहीं है, बात यह है कि इस बार आदमी शुरू से ही आवाज़ उठाया गया है मतलब पोलिंग बूथ से ही, तो आदमी यहाँ 24 घंटे बैठा है, हो गया थोड़ा तकनीकी खराबी कारण कहीं कैमरा भरोसा है, भरोसा है जो जवाब मिला शासन प्रशासन भरोसा है, भरोसा है शासन प्रशासन पर। क्या नाम है अपना? प्रदीप। प्रदीप भाई का मतलब मऊगंज अपना
कई जने हैं मऊगंज के ओर से? ज्यादा तीन, दो तीन लोग, चार लोग हमेशा ही रही थे मऊगंज वाले। अच्छा, शुरू से 17 तारीख से लेकर 3 तारीख तक। तो मऊगंज के चार जने मतलब 8 विधानसभा सीधे मऊगंज संभाल रही है। हाँ, मऊगंज पूरा पूरा ठेका असले लिया है अपना। चलिए तो ठेका असले लिया है अपना। जी जी जी। चलिए तो भाई साहब का सुना है अपना? जितेंद्र मिश्रा। अपना मऊगंज से? हम मऊगंज से हैं। 6 से 6 सुबह वहाँ अंदर रहते हैं। 6 से 6? हाँ। शाम के 6 से? नहीं, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। तभी तो बहिरे हैं। हो गया तो इसे बीच में चले आते हैं देखने के लिए। चलिए मन बदले खातिर है। हाँ। उठे अब निहारत निहारत हो गया, सब निगरानी में है, सब ठीक है, अभी कोई गड़बड़ी ऐसी नहीं। व्यवस्था है अपना पचन खीतर कुछ अंदर चाय साय मिलत थी या फिर पानी पिंगल कुछ? सब अपने से व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रशासन से कुछ नहीं, कुर्सी तक नहीं है। वही अंदर गद्दा बिछावा देते हैं रात में बस। चलिए अपना शुभ नाम का? विष्णु साकेत। अपना? गुड़। हाँ, विधानसभा है जी। चलिए ठीक है, बरियत्ते मिले जी। हाँ, तो अपना कौन पार्टी की ओर से? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कांग्रेस की ओर से। तब अपने पूरा 24 घंटा काम कर रहे हैं? नहीं, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। अपन सुबह 7 से शाम 7 बजे? जी जी जी। ओके। यो के बाद दोपहर जने ही शिफ्ट चेंज हो रहा है? शिफ्ट सबके चेंज हो रहा है। हाँ। जी हाँ। तो घर से खाए के निकली सुबह 7 बजे की? खाना आवत है। अच्छा। हाँ हाँ, अभी व्यस्त होगा के उनको आवत रहते, उनको लेके आवत रहते भैया, अरे लाई लिया रहे, लाई में नहीं चाबी सी, चाय तो अपना को रखी लाई, चाय आई है। हाँ, तो मतलब तो पहरेदारी मनाई लगा है। आई लोकतंत्र की हथियारी जो या आगे वाली पार्टी है बीजेपी गवर्नमेंट, देखा तिरिया चरित्र देख के आदमी का कहाँ न कहाँ धोखा तोहफा एक बेदुबे, तो एक ही कारण है। बघेली में ठीक कहावत नहीं बनिया कि दूध की जरी बिलारी माटा फूंक फूंक के पिए, तो यह सब चीज़ दिमाग में आ रही हैं, तो यह वजह से मान ली पहरेदारी में लगा भैया। चलिए तो मतलब पहरेदार बिल्कुल चुस्त है, दुरुस्त है। इधर की उखर ये सब ना चली पाई। हाँ, पहरेदारी है इधर की कुछ ऐसा शंका रही? वो सब सिस्टम पिछले बार भर रहा है, अब पिछले वे भर रहा है। अच्छा। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट की है तो त्रिया चरित्र है, यही मत चुनाव जीतल लागी। इधर की कौनों में के ऐसा गुंजाइश नहीं छोड़ा? कौनों गुंजाइश नहीं है, इधर की सुपारा साफ होकर पूर्ण रूप से जी। हाँ। बिल्कुल ऊर्जा। हाँ। से भरे कार्यकर्ता हैं, एठे मौजूद हैं, और हम मौजूद हैं या अपना के रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ इंजीनियरिंग महाविद्यालय के सामने, जहाँ लगातार जो है चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के दावा शासन प्रशासन कह रही है, और कार्यकर्ता जे 8 विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार हैं उनका प्रतिनिधि, वो दावा कह रहे हैं कि हम कौनो चूक नहीं करे चाहिए विधानसभा में। हालांकि उनके मन में चिंता है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव जो भे ओ माँ कुछ न कुछ गड़बड़ भा। ऐसे भारी संख्या में ऐठे लगभग 1 दर्जन के आसपास प्रतिनिधि ऐठे मौजूद हैं, जे या दावा कह रहे हैं दुरुस्तगी के कि हम कौनो गलती न होए देव, कहे कि यदि एक छोट का गलती है तो उनके मन में शंका है कि बहुत कुछ परिणाम में तब्दीली हो सकती है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।